सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज। नीति आयोग की बैठक में जो है शामिल होंगे सीएम। सशक्त उत्तराखंड के रोडमैप को जो है साझा करेंगे एमएसएमई। स्वास्थ्य शिक्षा कौशल विकास पर रखेंगे बात। मुख्य सचिव सचिव नियोजन भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, सशक्त उत्तराखंड के रोडमैप को जो है साझा करेंगे। यहां पर आपको बता दें, दो दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के, और आज दिल्ली पहुंचेंगे और नीति आयोग की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे। कल ये नीति आयोग की बैठक है जिसमें सशक्त उत्तराखंड के रोडमैप को जो लेकर इसमें जानकारी देंगे। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं संवाददाता अभिषेक कुमार से। अभिषेक, दिल्ली जो है सीएम पहुंच रही हैं, क्या कार्यक्रम है उनका दिल्ली में और किस वक्त तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए तीन दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। आज करीब 12:30 बजे वो दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और आज शाम रात्रि विश्राम वहीं पर करने वाले हैं। इसके बाद कल यानी 27 मई को एक नीति आयोग की बैठक है जिसमें संचालन परिषद यानी सभी देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके ऊपर राज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है जिसमें कृषि और हेल्थ से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो प्रस्ताव हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे अहम ये चीज रही है कि जो किसान है देश के उनकी आय को दुगना कैसे किया जाए, और राज्य उत्तराखंड राज्य में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो सरलीकरण और समाधान इसके तहत पूरे राज्य में काम भी कर रहे हैं और इस चीज का रोडमैप बना रहे हैं कि 2025 तक राज्य को, क्योंकि अभिषेक यहां पर एक सशक्त उत्तराखंड का रोडमैप जो है वो मुख्यमंत्री पेश करते हैं नीति आयोग की बैठक में। ऐसे में क्या अहम जानकारी है जो सीएम यहाँ पर इस नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के बारे में खास तौर पर रखने वाले? देखिए राज्य में कृषि जो किसान हैं उनकी आय को कैसे किस तरह से दुगना किया जाए इसको लेकर के एक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके उसी के चलते जो मुख्य सचिव और सेवा नियोजन सचिव जो मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल होंगे वो इस पर चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में काम किया जा रहा है किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने के लिए। उसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में किन किन जो अचीवमेंट है उनको प्राप्त कर लिया गया है या आगे किस तरह की चीजों पर काम किया जा रहा है उसको। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए अगली खबर पर आपसे अपडेट।